नमस्कार दोस्तों, इस समय मौजूद हूं मेरे साथ हिंदुस्तान सीवी न्यूज पर और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ मैं आपके साथ। देखिए, थानों पर जो मुकदमे लिखे जाते हैं और मुकदमों से संबंधित जो माल मुकदमाते होते हैं उनको सदर मालखाना में जमा कराया जाता है। मुकदमा के निर्णय होने के उपरांत माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में वो माल मुकदमाती जो है नष्ट कराए जाते हैं। इसी क्रम में पिछले 4-5 महीनों से हमारी पूरी टीम, प्रोसिक्यूशन की टीम, ये सभी लोग लग के इन्होंने सदर मालखाने से कुल 2392 माल को जो है, जिनके मुकदमे निर्णित हो चुके हैं उनका न्यायालय से आदेश कराने के उपरांत आज नष्टीकरण की जो है कार्रवाई चल रही है। यहाँ कलेक्ट्रेट परिसर में एडी साहब, जेडी प्रोसिक्यूशन साहब अपने निगरानी में जो कमेटी बनी हुई है उनके देख रेख में 2392 आर्म्स एक्ट के जो माल हैं उनका नष्टीकरण की कार्रवाई यहाँ चल रही है और इसके उपरांत पुनः जो है फिर एक बार हम लोग अभियान चलाएंगे और जो भी मुकदमे हमारे निर्णित हो चुके हैं जिसके माल सदर मालखाना में जमा है उनको भी नष्ट करने की कार्रवाई करेंगे। ये एक बड़ी कार्रवाई काफ़ी दिनों बाद जनपद आगरा में की जा रही है। मैं इसके लिए प्रोसिक्यूशन की टीम को बधाई देता हूँ। एक अपराध में जब एक ही माल होगा दो भी को जितने लोग हमारे कब तक यही काम एक माल में चार चार होते जब खा जाएंगे सर। इसमें एक जैसे 2391 बाद है सर, बाद है 2391, उसमें किसी में चार है, किसी में तीन है, किसी में एकदम मेहनत लग रहा है लेकिन अच्छा लग रहा है सर। ऐसी मेहनत तो सर करनी है, ऐसी पसीना अगर छू रहा है सही सर। आज आगरा में मुकदमों से संबंधित हथियारों को नष्टीकरण कराया गया। जिन मुकदमों का निर्णय हो चुका था उन्हीं मुकदमों के हथियारों को इसमें शामिल किया गया। आगरा में थाना सदर के माल गोदाम कलेक्ट्रेट में मुकदमों से संबंधित हथियारों को जमा कराया जाता है। आपको बता दें कि एसएसपी बबलू कुमार ने बताया है कि न्यायालय से अनुमति लेने के बाद एक कमेटी की निगरानी में संबंधित मुकदमों से 2392 हथियारों का निरस्तीकरण कलेक्टर परिसर में ही कराया गया है। आगरा से चोप सिंह सक्सेना की खास रिपोर्ट।